2020, class 6, 7th grade, subject Hindi, and topic journey, yani sandhi. Sandhi mein hum aapko swar sandhi ke kuch pehle baat kar chuke hain, jisme ayati sandhi jo swar sandhi ka antim bhag hai, isme ayati sandhi ki paribhasha. Yadi a i o au ke baad जब कोई आसमान स्वर आए तो ए का औ, आई का आ, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए का आय में ने प्लस अन्वयन, ए का आय में चे प्लस अचयन, आई का आय गय प्लस अक गायक, आई का आय ने प्लस इका नायका, से ऊ का अ ओ प्लस अन भवन, ऊ का अ ओ प्लस अन हवन, आव का आ पाव धन अक पावक, ऊ का आ पाव धन एक, सॉरी नव प्लस एक नव। इसके बाद दूसरी संधि व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की परिभाषा। मित्रों, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? वो है व्यंजन का स्वर या व्यंजन से जो योग होता है और उस योग से होने वाले जो विकारपन होता है अर्थात जो व्यंजनपन होते हैं मिलते हैं उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, जैसे नियम नंबर एक, किसी वर्ग यानी कि हमारी हिंदी वर्णमाला में पांच व्यंजनों के वर्ग होते हैं जिसमें कवर चवर टवर तवर और पव, प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं के पहले वर्ग के बाद यदि कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा या रला हुआ हा में से कोई वर्ण आए तो पहले वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे वाक धन ईस, ये हो गया वागीस, दिक प्लस गज दिग्गज, जगत धन ईस जगदीश, षट धन आनंद षडानंद, वाक धन देवता वाक देवता, दिक प्लस अंबर दिगंबर, सत प्लस उपदेश सदुपदेश, सत प्लस आचार सदाचार। इसके बाद नियम नंबर दो, यानी किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ग के बाद यदि किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो पहला या तीसरा वर्ण अंतिम वर्ग का अंतिम वर्ण अर्थात अनुनासिक हो जाता है। जैसे वाक धन मय वांगमय, का अंतिम जो वर्ण होता है वो अंग होती है ना, तो इसलिए वांगमय, या धन ना यांजना, षट धन आनंद षडानंद, षट धन मास षडमास, उत्त धन नति उन्नति और अप धन मय अमय। इसके बाद नियम नंबर तीसरा, यदि तद के बाद च या छ हो तो च, च हो तो ज, तथ हो तो ट और डढ हो तो, और ल हो तो
ल हो जाता है। जैसी त और च, च प्लस च बराबर च, यानी शरद प्लस चंद्र शरद चंद्र, उत प्लस चारण उच्चारण, इधर त प्लस छ का छ हो जाता है छ छ, तो जगत प्लस छाया जगत छाया, त प्लस ज का ज हो जाता है तो सत प्लस जन सज्जन, और द प्लस ज का ज हो जाता है तो विपद धन जाल तो विपद जाल, और त प्लस ज का ट हो जाता है तो बृहत प्लस टी का बृहतिका। इसके बाद द र का ड हो जाता है उद प्लस दयन उड्डयन, और त का त प्लस ल बराबर ल हो जाता है तो त त प्लस लीन तल्लीन, और उत धन लीन उल्लीन। ये आपके लिए कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण थे। इसके बाद देखिए आपका हम्बर्ग में अयादि संधि किसे कहते हैं, जिसमें अयादि की परिभाषा आपको बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है व्यंजन संधि की परिभाषा लिखो, तो व्यंजन संधि की परिभाषा नोट करनी है और याद करना है। और तीसरे क्वेश्चन में निम्न के संधि विच्छेद करो, तो आपके लिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का उन वर्ड का संधि विच्छेद करना है और देखना है कौन सी संधि है। तो शब्द है शरद चंद्र सदाचार पावर चयन नायिका सज्जन। Thanks for it. That's all.